हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। लंका पहुंची टीम इंडिया, गायब हो गए रोहित और स्काइजिया। पूरी की पूरी टीम इंडिया बैंगलोर से रवाना हो चुकी थी श्रीलंका के लिए, श्रीलंका एयरपोर्ट पर पहुंच भी गई। लेकिन इसी बीच ही जो वहां पर विजुअल्स आ रहे होते हैं, जब प्लेयर जो है कैंपस से बाहर निकल रहे होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं, तो जो कॉरिडोर होता है वहां पर सारे के सारे खिलाड़ी नजर आते हैं। बुमराह और विराट कोहली काफी देर तक साथ में बात करते हुए नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली की काफी देर तक बात होती है, वो साथ में नजर आ रहे होते हैं। ईशान किशन और शुभमन गिल, वो आपको वहां पर साथ नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि शुभमन गिल के जो पिता हैं लखविंदर गिल, वो भी इस टीम के साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं और साथ ही वहां पर पहुंच चुके हैं। और इन सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गायब हुए रोहित और वहां पर स्काई, तो रोहित जो कि वहां पर नजर तो आए लेकिन वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट शायद नहीं करना चाह रहे थे, कैमरे पर नहीं आना चाह रहे थे, थोड़ा सा मुंह छुपाते हुए साइड से निकल गए। लेकिन जहां तक की अगर बात किया स्काई की, तो स्काई तो नजर ही नहीं आए। उनका शायद थोड़ा सा जो लगेज का कुछ इश्यू हो गया था, तो उन्हें शायद थोड़ी सी आने में देर हुई, वो टीम के साथ वहां पर नहीं दिखे, बाकी के सारे प्लेयर दिखे। और अब बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया यहाँ से श्रीलंका पहुंच गई है, तैयारियां कर लेगी। दो दिन, सिर्फ दो दिन है उनके पास, दो दिन बाद 2 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेंगे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ी राइवलरी देखने को मिलेगी। एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ बाबर आजम, देखना पड़ेगा कौन पड़ेगा किस पर भारी, क्या इंडिया मार पाएगा इस बार बाजी, या पाकिस्तान थोड़ा सा जो मजबूत नजर आ रहा है पिछले कुछ समय से फॉर्म में आ रहा है, क्या पाकिस्तान कुछ उलट फेर कर सकता है, कुछ बड़ी चीजें कर सकता है, या फिर रोहित शर्मा कहेंगे नहीं भैया इस बार तो एशिया कप हम ही जीतने आए हैं, पिछली बार हम नहीं जीत पाए, वो बात अलग की है, लेकिन यहाँ पर हम आए हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है 2 तारीख का महामुकाबला, इंडिया या पाकिस्तान, कौन मारेगा उस दिन बाजी, कौन बनेगा सरपंच।